हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि वेयर केयर में और केयर में क्या डिफरेंस है, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही लिया हुआ है और यहाँ पे दो डेटा टाइप मैंने लिए हुए हैं, एक केयर है दूसरा वेयर केयर है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसको क्लोज करता हूँ, ये जो टेबल बनी हुई है इसको क्लोज कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइज में क्या करता हूँ, दोनों की साइज 5 रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी केयर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है, और इसकी साइज 5 रखी हमने, और वेयर केयर में भी साइज क्या रखा है, 5 रखा है। ठीक है, अब दोनों ही की साइज 5 रखी है, और यहां पर अगर मैं इसको सिचुएशन देखते हैं रन कराने के बाद, तो ये देखिए यहां पर ये आ गए। अब यहां पर कोई रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, जैसे मान लीजिए ए ए ए, ये देखिए ये हो गया, तो ये कितने कैरेक्टर हुए, 5 कैरेक्टर हुए। अगर मैं 6 एंटर करने की कोशिश करता हूं तो हम एंटर नहीं कर सकते, ये किसकी बात है, कैर डेटा टाइप की। ध्यान दीजिएगा ये किसकी बात हो रही है, कैर डेटा टाइप की। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारी क्वेरी है, तो यहाँ देखिए ये कैर लिया, उसकी साइज क्या रखी है, 5 रखी है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी साइज क्या रखा है, 5 ही रखा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पर वेयर केयर वाले को, तो वेयर केयर में भी हम सेम चीज एंटर करते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए यहां पर भी तो सेम ही है, और यहां पर जब हम अगला कैरेक्टर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर भी एंटर नहीं कर सकते। अभी दोनों में तो बात सेम नजर आ रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस तो है, क्या डिफरेंस है आइए उसको डिटेल में समझते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी जो है केयर डेटा टाइप है, ध्यान दीजिएगा कौन सी आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, तो यहां लिखा है आर। ठीक है, और इसकी साइज हमने क्या रखी है, तो ये देखिए ये यहां पर रैम है, और रैम में जब मेमोरी मिलेगी तो इसकी साइज क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये साइज हमने क्वेरी में दिखाता हूँ क्या रखी है, तो यहाँ पे साइज रखी गई है 5, यानी कि यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बनेंगे रैम में। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब 5 बनेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपने एंटर किया राम, ठीक है, तो ये आर हो गया। ठीक है, कैरेक्टर में ध्यान दीजिएगा ये ए हो गया और ये हो गया एम, और यहां पर बच गए 2 ब्लॉक्स, तो जब 2 ब्लॉक्स बच जाएंगे तो इनको ये व्हाइट स्पेसेस से भर देगा, क्या करेगा, ये व्हाइट स्पेस से भर देगा, यानी कि इसमें फिर और कुछ एंटर करने की चीज बचेगी नहीं आपके पास। ठीक है, अब देखिए अब जो दूसरी फील्ड बची हुई है, ध्यान दीजिएगा कौन सी फील्ड है, दूसरी फील्ड है नेम वाली। ठीक है, तो नेम वाले का क्या कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो नेम वाला है, यहाँ एन से इसे डिनोट करता हूँ नेम वाले को, तो ये देखिए ये एन हो गया, और इसमें भी 5 ही ब्लॉक्स बनेंगे, तो ये देखिए ये रैम में इसको जगह मिलेगा, और यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, कुल मिला के 5 ही बने। अब इसमें कैसे होगा, तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए इसमें राम एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया R, ठीक है, और ये हो गया A, और ये हो गया M, यानी राम तो इसमें भी एंटर हुआ, लेकिन लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या होगा कि ये जो 2 जगह बच जाएगा ना, ये इसको रिलीज कर देगा, हटा देगा, छोड़ देगा, फ्री कर देगा। ठीक है, जबकि केयर डेटा टाइप में आपको ये फ्री होता हुआ नजर नहीं आएगा। यहां पर देखिए यहां पर आपकी मेमोरी कितनी खर्च हुई, 3 ही जगह तो खर्च हुई, 3 ही ब्लॉक्स तो भरे, लेकिन यहां पर आपको ब्लॉक्स भरे हुए 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी के 2 ब्लॉक्स जो है केयर डेटा टाइप में किससे भर गए, व्हाइट स्पेसेस से भर गए, तो ये आपकी ज्यादा मेमोरी कंटेन करता है इन कंपेरिजन टू वेयर केयर। वेयर केयर कम मेमोरी, जितनी जरूरत है उतनी ही लेगा, और केयर जो है बिना मतलब के जो भी जरूरत नहीं है उसको भी ये ऑक्यूपाई कर देगा केयर में। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है,